गाइस वेलकम बैक और एक नए वीडियो में। दोस्तों आज मेरे पास रियलमी जी टी मास्टर सेंड डिवाइस है और इस डिवाइस में 6.09 लेटेस्ट अपडेट इंस्टॉल है। तो इस डिवाइस में बिल्कुल चार्ज नहीं है, मैंने फुल्ली डिस्चार्ज किया, आप यहाँ पे देख लीजिए। तो आज हम इस वीडियो में इसका फुल्ली चार्जिंग टेस्ट करने वाला हूँ, मतलब 0 to 100% चार्ज होने में कितना ज़्यादा टाइम ले रहा है 6.09 अपडेट के बाद, वही आज इस वीडियो में टेस्ट करने वाला हूँ। दोस्तों बॉक्स के साथ जो चार्जर था 64 वाट का सुपर डक चार्जर, उसके साथ ही मैं डिवाइस को चार्ज करने वाला हूँ। यहाँ पे थोड़ा सा धूल मिट्टी आ चुका है ऊपर में चार्जर के ऊपर, तो थोड़ा सा पुराना हो चुका है इसलिए। तो फिलहाल मैं चार्जर को कनेक्ट कर लेता हूँ, इसको जो डाटा केबल हो ये भी मैं डिवाइस के साथ यहाँ पे कनेक्ट कर लेता हूँ। तो फिलहाल यहाँ पे आप देख लीजिए थोड़ा सा वाइब्रेशन भी हो चुका है और चार्जिंग भी यहाँ पे स्टार्ट हो चुका है। आप यहाँ पे देख लीजिए डिवाइस पे बिल्कुल चार्ज नहीं है और मैं यहाँ पे टाइमर को भी यहाँ पे सेट कर लेता हूँ। आप देखिए टाइमर भी यहाँ पे स्टार्ट हो चुका है, डिवाइस भी चार्जिंग यहाँ पे स्टार्ट हो चुका है। तो गाइस मैं डिवाइस को ऐसे ही छोड़ रहा हूँ और देखता हूँ 15 मिनट के बाद डिवाइस कितना चार्ज होता है रियलमी जी टी मास्टर सेंड 6.09 अपडेट के बाद। तो गाइस मैं डिवाइस को ऐसे ही यहाँ पे छोड़ रहा हूँ। दोस्तों फिलहाल यहाँ पे देख लीजिए ऑलरेडी 15 मिनट हो चुका है और डिवाइस भी देख लेते हैं कितना चार्ज होता है 15 मिनट के बाद। तो फिलहाल गाइस यहाँ पे देखिए 52% चार्ज हो चुका है रियलमी जी टी मास्टर सेंड 6.09 अपडेट के बाद 15 मिनट में। तो डिवाइस में थोड़ा सा मुझे हीटिंग इशू मिला है, थोड़ा सा हीट हो रहा है। तो फिलहाल यहाँ पे चेक करके देख लेते हैं मेरे पास कौन सा डिवाइस है, कौन सा वर्सन इंस्टॉल है। तो थोड़ा सा मैं यहाँ पे डार्क मोड में बाहर आ जाता हूँ, लाइट मोड में स्विच हो। तो गाइस यहाँ पे चलते हैं अबाउट डिवाइस में। तो ये रहा है अबाउट डिवाइस, आप यहाँ पे फिलहाल देखिए रियलमी Y3.0, आप डिवाइस नेम भी यहाँ पे देख लीजिए रियलमी जी टी मास्टर एडिशन। थोड़ा सा फोकसिंग इशू है आप देख लीजिए। तो फिर यहाँ पे चलते हैं वर्सन अप टू डेट में। तो गाइस मैंने अभी अभी नेट कनेक्शन ऑन किया है, यहाँ पे थोड़ा सा प्रॉब्लम ज़रूर होगा, तो मैं फिर से एक बार इसको ट्राई कर लेता हूँ, आप थोड़ा सा वेट कीजिए। तो यहाँ पे देखिए चेकिंग फॉर अपडेट आ रहा है और गाइस यहाँ पे थोड़ा सा और वेट कर लेते हैं। तो गाइस देखिए यहाँ पे आ चुका है रियलमी Y3.0 वर्सन अप टू डेट। दोस्तों देखिए मेरा डिवाइस में 6.09 लेटेस्ट अपडेट इंस्टॉल है और यहाँ पे अबाउट दिस वर्सन यहाँ पे चेंज लॉग भी आप देख सकते हो। इसका फुल डिटेल्स रिव्यू मेरे चैनल में अवेलेबल है, मैं ऊपर आई बटन में वीडियो का लिंक दिख रहा हूँ, अभी तक आपने नहीं देखा तो फुल डिटेल्स रिव्यू आप देख सकते हो। दोस्तों फिलहाल मैं डिवाइस को ऐसे ही छोड़ने वाला हूँ और देखता हूँ जो और 15 मिनट के बाद, मतलब लगभग 30 मिनट के बाद डिवाइस कितना चार्ज होता है रियलमी जी टी मास्टर सेंड 6.09 अपडेट के बाद। तो गाइस मैं डिवाइस को ऐसे ही यहाँ पे छोड़ रहा हूँ। दोस्तों आप फिलहाल यहाँ पे देख लीजिए ऑलरेडी 30 मिनट हो चुका है और देख लेते हैं रियलमी जी टी मास्टर सेंड 6.09 अपडेट के बाद 30 मिनट में कितना चार्ज होता है। तो गाइस फिलहाल आप यहाँ पे देखिए 91% चार्ज हो चुका है, मतलब गाइस चार्जिंग स्पीड में आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगा, बहुत ही फास्ट चार्ज हो रहा है। तो गाइस चार्जिंग में आपको प्रॉब्लम नहीं आएगा, डिवाइस इतना ज़्यादा हीट भी नहीं हो रहा है। पहले गाइस थोड़ा सा हीट हुआ था लेकिन अभी हीट बिल्कुल नहीं हो रहा है, डिवाइस बहुत ही कूल है। तो गाइस मैं डिवाइस को ऐसे ही छोड़ रहा हूँ और देखता हूँ जो फुल्ली 100% चार्ज होने में और कितना ज़्यादा टाइम ले रहा है। तो गाइस मैं डिवाइस को ऐसे ही छोड़ रहा हूँ। दोस्तों फाइनली देखिए जी टी मास्टर सेंड डिवाइस फुल्ली चार्ज 100% हो चुका है। आप यहाँ पे टाइमर भी देख सकते हो 36 मिनट 21 सेकेंड। तो 36 मिनट में रियलमी जी टी मास्टर सेंड 6.09 अपडेट के बाद फुल्ली 0 to 100% चार्ज हो चुका है, मतलब चार्जिंग स्पीड में आपको कोई भी शिकायत नहीं आएगा। नेक्स्ट जो अपडेट आया था 6.08 उसका भी मैं चार्जिंग टेस्ट किया था, मैं ऊपर वो आईपैड में वीडियो का लिंक दे रहा हूँ, आप एक बार जाके
ज़रूर देखना और आप फिर जाके कंपैरिजन करना, चार्जिंग स्पीड डिक्रीज़ हुआ या फिर चार्जिंग स्पीड में आपको थोड़ा सा इंक्रीज मिलेगा, तो आप पहले उस वीडियो को ज़रूर देखना। मैं ऊपर बैठे में वीडियो का लिंक दे रहा हूँ। लेकिन फाइनली 36 मिनट के बाद GT Master Essence 3.09 अपडेट के बाद फुल्ली चार्ज हो जाता है। तो गाइस आज का वीडियो इतना ही था। अगर वीडियो आपको पसंद आता है वीडियो को लाइक कर देना, चैनल में ना तो चैनल को मस्ट भी सब्सक्राइब करके रखना। ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो आपको रोजाना इसी चैनल में मिलता रहता है। तो गाइस मिलते हैं और अपने इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक टाटा गुड बाय, जय हिंद।